आज 25 जुलाई को पूरे देश में महान विद्रोही वीरांगना फूलन देवी को उनके शहादत दिवस पर नमन कर याद किया जा रहा है। आखिर कौन है वीरांगना फूलन देवी? फूलन देवी का नाम इतने सम्मान से क्यों लिया जाता है? आखिर क्यों वे नारियों व गरीबों के साथ साथ शोषित और बहुजन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी? उन्होंने कैसे 22 बलात्कारियों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया? आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो फूलन देवी के जीवन से जुड़ी हुई मुख्य घटनाएं हैं। वीरांगना फूलन देवी का जन्म और बचपन। जी हां साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फूलन देवी का जन्म कब हुआ। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गौरहापुरवा में पिता देवी दीन और माता मूला मला के घर में जन्मी फूलन देवी बचपन से ही निडर, बहादुर और सहनशील थी। फूलन देवी के पिताजी देवी दीन मला जी के पास छोटा सा जमीन का एक हिस्सा था, जिससे थोड़ी बहुत इनकम होती थी और थोड़ा बहुत नाव वगैरह चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। परिवार में कुल 6 लोग थे। देवी दीन मला, उनकी पत्नी मूला देवी और 4 बच्चे, जिसमें फूलन देवी जी सबसे छोटी और सबसे बड़ी भी उनकी बहन थी। बीच के 2 भाई थे। जब फूलन देवी जी 10 साल की थी, किसी बात को लेकर घर में झगड़ा हुआ था। फूलन देवी जी को पता नहीं था तो माँ बाप रो रहे थे कि चाचा ने जमीन हड़प ली है, जिंदगी कैसे कटेगी, और चाचा के लड़के बहुत ही तंग कर रहे थे। जब फूलन देवी जी को ये सब बात पता चली तो फूलन देवी अपने ही चाचा से लड़ गईं, उसके बेटे से भी लड़ गईं और अपनी बहन के साथ वहाँ के स्थानीय पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गई थी। उस वक्त फूलन देवी जी की उम्र मात्र 10 साल थी। अपने चाचा और उसके छोटे बेटे के साथ भी लड़ाई झगड़े में फूलन देवी के चाचा के लड़के ने पत्थर से फूलन देवी जी का सर फोड़ दिया, तो फूलन देवी ने भी इसके जवाब में अपने चाचा के बेटे पर पत्थर चला दिया। तो कुछ इस तरह थी फूलन देवी के बचपन की कहानी। इसके बाद समय बीतता गया। फूलन देवी जी अपनी ही बस्ती के लोगों और लड़कों के साथ किसी न किसी बात को लेकर अक्सर लड़ती रहती थी और ये सब लड़ाई झगड़े की खबरें अब फूलन देवी जी के घर तक पहुंचने लगी थी। फूलन देवी की शादी। साथियों, अब बात करते हैं फूलन देवी जी की शादी की। लगभग 11-12 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी उनके माता पिता ने उनकी ही बिरादरी यानी कि मला जात में एक ऐसे शख्स से कर दी जो उम्र में फूलन देवी जी से काफ़ी बड़े, करीब 3 गुना अधिक थी। उनके पति पुत्तीलाल मला की उम्र शादी के समय करीब 35-36 वर्ष की थी। चूँकि फूलन देवी की शादी उनके घर वालों ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से की, इसलिए यौन संबंधों को लेकर फूलन देवी और उनके पति के बीच में हमेशा ताना बाना बना रहता था, इसलिए वो बार बार अपने मायके पिता के घर आ जाया करती थी। उधर दूसरी तरफ फूलन देवी का बार बार मायके आना उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए एक बार उनके पिता ने फूलन देवी जी के खिलाफ नजदीकी थाने में चोरी की झूठी FIR करवा दी, जिसके कारण फूलन देवी 3 दिन में जेल में बंद रहीं और इसी दौरान पुलिस के लोगों ने जेल में ही फूलन देवी का यौन शोषण किया। साथियों, अब बात करते हैं फूलन देवी जी डाकू कैसे बनी। पति पुत्तीलाला मला से झगड़ा, पिता से भी रिश्ते खराब और फूलन देवी जी के ऊपर बाप ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उनके बाप ने ही जेल भेजा, पुलिस लॉकअप में पुलिस अधिकारी ने रैप किया, इन सारी चीज़ों ने फूलन देवी की ज़िंदगी पर काफ़ी प्रभाव डाला और धीरे धीरे फूलन देवी जी को बागी बना दिया। फूलन देवी सन 1979 में चंबल पहुँचती हैं। फूलन देवी जी का चंबल पहुँचने के बाद जिस डाकू के गैंग में शामिल होती हैं उस गैंग के सरदार का नाम बाबू गुर्जर था और उसी गैंग का जो दूसरा लीडर था वो था विक्रम मला, जो फूलन देवी की बरादरी यानी कि मला जाति का था। विक्रम मला के दिल में आदर का भाव था, यानी उसके साथ बड़े ही सलीके से पेश आते और विक्रम मला को फूलन देवी जी की सारी कहानी पता थी। फूलन देवी जी बाबू गुर्जर के गैंग में शामिल तो हो जाती हैं, लेकिन बाबू गुर्जर की बुरी नज़र फूलन देवी जी पर थी और एक रात बाबू गुर्जर ने फूलन देवी जी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की।
फूलन देवी के शोर मचाने पर उसी गैंग के मेंबर जो कि दूसरे नंबर का लीडर था विक्रम मला वहाँ आ जाता है और सारा माजरा पता चलने के बाद विक्रम मला और बाबू गुर्जर के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दौरान ही विक्रम मला बाबू गुर्जर को गोली मार देता है जिससे इस गैंग के मुखिया बाबू गुर्जर की मौत हो जाती है। विक्रम मला गैंग की पूरी कमान संभालने के बाद विक्रम मला फूलन देवी जी को बाकायदा बंदूक राइफल चलाना भी सिखाते हैं। कैसे एक डाकू का जीवन होता है, डाकू में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें फूलन देवी जी को विक्रम मला सिखाते हैं और बताते हैं। फूलन देवी जी की गैंग में पूरी तरह कंफर्टेबल होने के बाद, अनुभव होने के बाद एक दिन विक्रम मला से कहकर पूरी गैंग के साथ अपने पति पुत्तीलाल मला के गांव जाती हैं। गांव पहुंचने के बाद अपने पति पुत्तीलाल मला को उसके घर से घसीटकर बाहर चौराहे पर लाती हैं और उसे बुरी तरह पीटती हैं और लगभग अधमरा करने के बाद फूलन देवी जी पुत्तीलाल मला को छोड़ देती हैं और कहती हैं कि अगर आज के बाद किसी अधेड़ बुजुर्ग और बूढ़े आदमी ने किसी नाबालिग छोटी लड़की से शादी करने की कोशिश की तो उसका यही हाल होगा, बल्कि बीच सड़क पर गोली मार दी जाएगी। अब बात करते हैं विक्रम मला की हत्या, फूलन देवी की किडनैपिंग और बलात्कार की। बाबू गुर्जर का जो गैंग था जिसका सरदार विक्रम मला बना बाद में, उसी गैंग के दो खास डाकू श्रीराम और लाला राम किसी क्राइम केस में पुलिस पकड़ लेती है, दोनों को जेल भेज देती है। कुछ समय के पश्चात दोनों डाकू छूट जाते हैं और वापस चंबल पहुंच जाते हैं। चंबल पहुंचने के बाद इन दोनों को सारी खबर मिल जाती है कि बाबू गुर्जर की मौत हो गई है जिसको विक्रम मला ने फूलन देवी की खातिर मारा था। तो इस घटना से श्रीराम और लालाराम विक्रम मला और फूलन देवी से दुश्मनी हो जाती है। चूँकि श्रीराम और लालाराम ऊँची जात से आते थे जो राजपूत जाति से थे, इसलिए श्रीराम और लालाराम के जेल से बाहर आने के बाद गैंग में फूट पड़ती है। उस गैंग में मला भी थे लेकिन और उन दोनों का भी यही कहना था कि बाबू गुर्जर को विक्रम मला ने फूलन देवी जी के खातिर मारा है। फूट पड़ने के बाद श्रीराम और लालाराम चाहते थे कि गैंग में राजपूतों का वर्चस्व हो, लेकिन विक्रम मला चाहते थे कि मलाहों का वर्चस्व हो। गैंग में राजपूतों की संख्या ज़्यादा थी इसलिए बाकी के भी राजपूत श्रीराम और लालाराम के गैंग में शामिल हो गए और बाद में श्रीराम और लालाराम विक्रम मला के बीच लड़ाई होती है। श्रीराम लालाराम ने विक्रम मला को गोली मार दी। इस लड़ाई में विक्रम मला मारे जाते हैं। उसके बाद श्रीराम लालाराम और उस गैंग के लोग फूलन देवी जी को किडनैप करके अपने गाँव ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एक गाँव है जिसका नाम बहमई है, वहाँ लेके गए और उस गांव में करीब 3 हफ्ते तक फूलन देवी जी को एक घर में बंद करके रखा और 3 हफ्ते तक फूलन देवी के साथ एक एक करके कई सारे लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया। इन बलात्कारियों से कैसे लेती हैं फूलन देवी बदला? बहमई गांव का रहने वाला एक शख्स जो मला जात का ही था और विक्रम मला के दो और साथी को जब पता चला कि फूलन देवी जी को बहमई गांव में एक घर में बंदी बना रखा है, तब किसी तरह उस गांव तक पहुंचते हैं और किसी तरह उस कमरे से फूलन देवी को आज़ाद करके फिर से बीहड़ के जंगलों में ले आते हैं। विक्रम मला के दो साथी में से एक का नाम था मानसिंह मला जो विक्रम मला के गैंग का ही था। पुनः चंबल के बीहड़ में पहुंचने के बाद ये लोग मलाहों को एकजुट करना शुरू करते हैं और एक पूरी मलाहों का गैंग बनाते हैं और फूलन देवी जी को खुद उस गैंग का लीडर बनाते हैं। फूलन देवी जी के साथ हुए उस गैंग रेप के ठीक 7 महीने बाद 14 फरवरी 1981 को अपनी पूरी गैंग के साथ बहमई गांव पहुंचती हैं, उसी बहमई गांव में जहां फूलन देवी के साथ करीब 3 हफ्ते तक बलात्कार हुआ था। किसी तरह फूलन देवी को पता चला था कि बहमई गांव में एक राजपूत परिवार में किन्हीं की शादी है, तो फूलन देवी जी पक्का थी कि श्रीराम लालाराम के गैंग के लोग जरूर उस शादी में आएंगे। तो शादी के दिन फूलन देवी जी अपने गैंग के साथ पुलिस की वर्दी में गईं ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद शादी समारोह में डाकू श्रीराम लालाराम के गैंग के लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं और किसी तरह शादी में दो ही लोग मिल जाते हैं जो श्रीराम लालाराम के गैंग के थे। उन्हें पकड़ने के बाद उन्हें खूब पीटते हैं और बाकी के लोगों का पता पूछते हैं। बाकी लोग गाँव से भाग चुके होते हैं। फूलन देवी उस समय बेहद ही गुस्से में थी।
बाकी लोगों के ना मिलने पर राजपूत समुदाय के 22 लोगों को एक साथ एक लाइन में खड़ा करके राइफल की गोलियों से भून देते हैं, जिनमें से सभी की मौत हो जाती है। सबको मारने के बाद पूरी गैंग वहां से निकल जाती है और अगले ही दिन ये खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल जाती है और तब फूलन देवी जी का नाम घर घर पहुंच जाता है। पूरे देश को पता चल जाता है कि कैसे फूलन देवी जी ने 22 लोगों को एक साथ गोलियों से भून दिया। इसके बाद फूलन देवी के जीवन में कई घटनाएं होती हैं। फूलन देवी की वजह से एक बार तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। अपनी विभिन्न शर्तों को सरकार के सामने रखकर सरेंडर होती हैं और आगे चल के समाजवादी पार्टी से सांसद भी बनती हैं। नागपुर की धरती पर 15 फरवरी 1995 को फूलन देवी बौद्ध धर्म अपना लेती हैं और साल 2001 में केवल 38 साल की उम्र में फूलन देवी जी की हत्या कर दी जाती है। दिल्ली में सरकारी आवास के बाहर ही 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी जी की एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई। तो साथियों, आपको ये खबर कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी फूलन देवी के जीवन से महत्वपूर्ण वो जानकारी जो आपके लिए जानना जरूर थी। हमने जो भी संभव हुआ आपको बताने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और आप फूलन देवी जी के संघर्ष से, उनके जीवन से क्या सीख लेते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।